एक जून यानी लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में वाराणसी में भी मतदान होगा। वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है, प्रचार तो थम चुका है और 1 जून की सुबह 7 बजे से वाराणसी में मतदान होगा। गर्मी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और मतदान काफी कई जिलों में, कई मतदान क्षेत्रों में काफी कम गर्मी की वजह से भी हुआ है। बनारस की जनता क्या सोच रही है, किन मुद्दों पर मतदान करेगी, यहाँ के क्या मुद्दे हैं और किस प्रकार उत्साह है मतदान को लेकर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बनारस के लोग हैं, हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग हैं, चूंकि हम बेनियाबाग इलाके में हैं, नई सड़क का यह इलाका है बेनियाबाग का, और तमाम युवक हैं जो कि रोजगार करते हैं, बिजनेस हैं, कोई पढ़ता है, कोई नौकरी करता है, और हम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद सुफियान। सुफियान, क्या माहौल है आपके बनारस में? माहौल तो काफी अच्छा है, ये तो अभी बताना जरूरी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और उनकी लोकप्रियता देखते हुए यहाँ पे काफी माहौल उनका अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत कांटे की लड़ाई इस बार मुझे लग रहा है एज ए युवा, कि जो मुद्दा अभी रोजगार, बेरोजगारी और इन सब चीजों पे है, उसको लेके जो है अभी लड़ाई काफी अच्छी होगी यहाँ पे। सुफियान, कितने वर्षों से बनारस में रह रहे हैं आप? जन्म जी माई बाई बर्थ 2014 से पहले, 2014 के बाद में कितना बदलाव आया? बदलाव तो बनारस में काफी आया है, इससे कोई गुरेज नहीं कर सकता है, बदलाव बनारस में काफी आया है और मुझे लगता है कि अभी और भी काम करने की जरूरत है। अभी बहुत सारे काम जो हैं नहीं हो पाए हैं, जो मुझे लगता है आगे होने की संभावना है। बहुत सारे अभी ऐसे मुद्दे हैं जिन पे काम होना बाकी है। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम शानू है। शानू, क्या माहौल है आपके बनारस का? माहौल तो ठीक ठाक है, मगर माहौल में ऐसा अभी उतनी तेजी नहीं है, बहुत शांत माहौल है। अच्छा। हर आदमी जो है परेशान है, कारोबार से टूटा हुआ है। अच्छा। और गर्मी भी आप देख ही रहे, गर्मी चरम पे है दम। तो अब वोटर्स जो होते हैं तो उनको निकलना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। निकल के वोट देना। हाँ। और माहौल अभी ठंडा है। हाँ। अभी माहौल कल तक देखेंगे, कल तो हो सकता है कि कल चुनाव है, माहौल चेंज हो जाए। क्या क्या मुद्दे रहे आपके हिसाब से बनारस में, क्या करने की जरूरत है, महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है बनारस में ट्रैफिक का है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, यहाँ की आम जो पब्लिक है वो इससे बहुत त्रस्त है। बाहरी आते हैं तो बाहरी तो घूमने आए हैं, वो आएंगे घूमेंगे फिरेंगे चले जाएंगे, जो लोकल लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ट्रैफिक का है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा, बहुत खराब है, बनारस का सिस्टम बहुत खराब। मोदी जी से हमारी गुजारिश है, अगर वो 2024 में आते हैं तो बनारस के संसदीय सांसद हैं, तो ट्रैफिक पे थोड़ा सा ध्यान दें। एक ट्रैफिक बड़ा मुद्दा है बनारस के लोगों का, और भी लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ पर दुकानें वगैरह यहाँ पर चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल, साहिल मतदान करते हैं ना, मतदाता हैं? मेन भाई हैं, भाई लोग से बात करिए। अच्छा ठीक है, बनारस में क्या माहौल है तो बताइए। माहौल के बारे में क्या बताया जाए, सबके आँख के सामने ही है माहौल। अच्छा। सब कोई देख ही रहे। कल चुनाव है, उसको लेके उत्साह है लोगों में? अब वो तो कल ही बताया जाएगा कि क्या है क्या नहीं। गर्मी से कितनी दिक्कत है? बहुत दिक्कत है गर्मी से, बहुत ज्यादा दिक्कत है गर्मी से। इसी वजह से भी मतदान बहुत प्रभावित हो रहा है? बहुत ज्यादा, सब तो देख ही रहे। ठीक है, क्या नाम है भाई आपका? रिक्की नाम है मेरा। रिक्की, रिक्की भाई बनारस में सब ठीक बा, हालचाल सबसे बढ़िया? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छा है सब। यहाँ पे चुनाव भी बहुत अच्छा होगा इस बार। हाँ। मोदी जी और अजय राय के बीच में अच्छा चुनाव हो रहा है। हाँ। माहौल बहुत अच्छा बना हुआ इस टाइम। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो जो यहाँ के मतदाता होते हैं उनकी उम्मीदें भी बहुत हाई होती हैं। भाई यहाँ से प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप लोग भी बाहर जाते हैं जब बनारस के हैं तो सब लोग यही बोलते हैं भाई प्रधानमंत्री के क्षेत्र से आए हैं। क्या उम्मीद रख रहे हैं यहाँ से, क्या जनता के मुद्दे हैं बनारस में जिसको पीएम मोदी को ध्यान देना चाहिए? पीएम मोदी को बस इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत लोग त्रस्त एकदम ट्रैफिक से, बहुत ज्यादा परेशान है लोग, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। अगर इस बार जीत के आएंगे, जीतना तो उन्हीं को है, खैर भले जो भी हो जाए, अजय राय भी फाइट अच्छी कर रहे हैं इस बार यहाँ से, लेकिन जीतना तो मोदी को ही है जहां तक मेरा अंदाज है कि जीतेंगे तो वही, लेकिन जो है लड़ाई है इस बार बहुत अच्छी है, लड़ाई बहुत अच्छी है। अजय राय का भी माहौल बहुत अच्छा है इस टाइम बहुत अच्छा है। देखा जाएगा अब कल क्या होता है, कल के बाद तो 4 जून को पता चल जाएगा क्या होगा, क्या रोजगार वगैरह कैसा चल रहा है। बहुत खराब है सर इस टाइम, बहुत परेशान है हर दुकानदार, हर दुकानदार परेशान है, इसलिए कि ट्रैफिक से इसलिए परेशान है, कस्टमर नहीं आते एकदम भी, प्लस उसके बाद जो है गर्मी की वजह से भी बहुत परेशान है, इसी यही सबसे बहुत ज्यादा दिक्कत है। 2014 से 2024 10 साल का समय हुआ,
क्या परिवर्तन, आप तो बनारस के जन्म से ही हैं, बनारस के मूल हैं, क्या परिवर्तन पाए हैं? परिवर्तन थोड़ा बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। खैर कॉरिडोर की तरफ तो परिवर्तन इधर हुआ है, बाहरी लोग के लिए हुआ है परिवर्तन, जितना भी हुआ है सब बाहरी लोग, यहाँ लोकल लोग के लिए कुछ कोई फायदा नहीं हुआ है। लोकल बल्कि और बर्बादे हुए हैं, कारोबार से टूट गए हैं और रोजगार से टूट गए हैं और ट्रैफिक से इतना परेशान, इतना त्रस्त है कि वो एकदम त्रस्त हो गए हैं। समझ लिए, क्या नाम है आपका? टोनू। टोनू, टोनू असली नाम बताइए, टोनू तो बुलाने वाला नाम होगा। डम्मी लगी है, डम्मी पूरा डम्मी लगी है। अच्छा, कल वोट देंगे कल? हाँ हाँ। अच्छा, पंजा पंजा पे अजय राय सप्ताह है, मोदी नहीं? नहीं नहीं। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? अरे क्या बोलता, बनारस के हालचाल के बारे में बता दीजिए। सब हम बनारस बहुत दिन के बाद आ रहे हैं। अच्छा, बहुत दिन बाद आए तो बता दीजिए, कुछ परिवर्तन दिखा इतने दिन बाद आए तो? बहुत परिवर्तन दिखा, परिवर्तन तो बहुत कुछ हो गया, बदल गया सब। अच्छा, रोजगार 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 बेकार है, बेकार है, देख तो रहे हैं दुकान सब बैठे हैं हम लोग लेके, नहीं चल रहा। टूरिस्ट आ रहे हैं लेकिन दुकान ही नहीं चल, फायदा नहीं, फायदा नहीं हो रहा है। आप तो यहाँ के बहुत पुराने हैं, 2014 से क्या बदला है, क्या क्या हुआ है, क्या नहीं होना, क्या नहीं हुआ है और क्या होना चाहिए? नहीं भाई, अब इतना राजनीतिक में हमको इतना नहीं है, हम लोग तो पूछिए, हम लोग जवाब क्या देंगे? कल मतदान करने जाएंगे ना? हाँ जाएंगे, लड़ाई है इस बार मोदी के सभा कोई की लड़ाई नहीं है, मोदी के सभा विकल्प नहीं है। नहीं, चलिए ठीक है। क्या नाम आपका, यहाँ कहाँ भाग रहे हो, यहाँ आइए, आइए आप, आइए आइए आप भी आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समद है। कैसा चल रहा है बनारस में माहौल? बनारस का माहौल तो अजय राय जी के चांस है, चांस है इस बार। अजय राय पिछले तीन चुनाव तो भाई बनारस से नहीं जीत पाए हैं, इस बार इंशाल्लाह जीत जाएंगे, माहौल है उनका, माहौल है। अच्छा, क्यों नाराजगी है पीएम मोदी से? कोई नाराजगी नहीं, नाराजगी क्यों होगी, मतलब भाई संसद तभी नाराजगी, तो दूसरे को विकल्प देखा जाता है ना, सबको मौका मिलना चाहिए ना भाई। अच्छा, अब बाकी बनारस के हालचाल के बारे में बताइए जरा। हालचाल तो आप देख ही रहे हैं सब, कैसा हालचाल है, रोड देख के जाम वाम लग रही है, भयानक ये सब है। क्या होना चाहिए था बनारस में जो नहीं हुआ और होने की जरूरत है? होने को बहुत कुछ होना चाहिए था लेकिन कुछ हुआ नहीं, उम्मीद तो बहुत कुछ थी प्रधानमंत्री जी से लेकिन कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ की जनता, आम जनता जो यहाँ के लोकल लोग है, बहुत परेशान है, बहुत त्रस्त है। मुद्दा मुझे लगता है कि बनारस का ही नहीं है। बताइए भाई, बताए अब क्या बताया जाए, कोई आपको बना लगता है, आप तो बनारस में बचपन से रहे हैं, स्कूल पढ़े होंगे, कॉलेज पढ़े होंगे, कि ये बनारस में होना चाहिए था वो नहीं हुआ? अब बात तो सही है आपकी, कुछ नहीं हुआ बनारस, हुआ ही नहीं कुछ। अच्छा, रोडे बनी है, ये सब बनी है, बस और क्या। मुद्दा सिर्फ बनारस का ही नहीं है, बेरोजगारी और महंगाई से जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है, कारोबार एकदम ठप हो चुके हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो जो है खरीदारी करें या कुछ भी करें। तो मोदी जी अगर 2024 में आते हैं तो मुझे लगता है कि उनको महंगाई और बेरोजगारी पे काम करना चाहिए, वरना इस बार तो लहर जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, हर जगह लड़ाई काटे की रही है और इस बार मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन को नुकसान भी हर जगह से होना है, कहीं से प्लस पॉइंट नहीं दिख रहा उनका। अब एक एक सवाल का, एक एक लाइन का सिर्फ आंसर लूंगा, बनारस का मुसलमान किसके साथ है? बनारस का मुसलमान जो मुद्दे पे काम करे उसके साथ है। बनारस का मुसलमान किसके साथ? जो भाई बोले सेम चीज, जो अपने भाई का भी कुछ होगा, जो मुद्दे पे काम करे उसके साथ है। मुद्दा क्या है? विकास, रोजगार, क्या? सब कुछ, विकास, रोजगार, सब कुछ। बनारस का मुसलमान किसके साथ? अजय राय जी के साथ है। बनारस का मुसलमान किसके साथ है? कांग्रेस। कांग्रेस के साथ है, अजय राय के साथ, कांग्रेस। आप बताएं बनारस का मुसलमान किन किसके साथ है, किन मुद्दों के साथ है, किसके साथ? प्रधानमंत्री जी के साथ बिल्कुल होता है, लेकिन कुछ काम अगर किए होते तो बिल्कुल होता, लेकिन इस बार जो है अजय राय को वोट जाएगा मुसलमान का। आप बताएं बनारस का मुसलमान किस तरफ है? बनारस का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ कारोबार पे ध्यान देगा और कारोबार जब चलेगा तो सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो हमारे साथ बेनियाबाग के बहुत सारे युवक, मुस्लिम समाज के लोग, जिन्होंने कहा कि कई मुद्दे हैं, रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र था जहां पर काफ़ी कुछ किया जा सकता था, मानना है कि बहुत कुछ नहीं हुआ है, कुछ का मानना है कि बिल्कुल सड़कें बनी हैं, हाईवे बने हैं, लेकिन ट्रैफिक की समस्या भी काफ़ी पैदा हो गई है, टूरिस्ट आ रहे हैं लेकिन ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुई है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस बहुत इस समय सीजन डाउन है, सीजन अच्छा नहीं चल रहा है। कुल मिलाकर अपेक्षाएं यही है कि अगर प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो यहाँ पर विकास भी उतनी गति से होना चाहिए और
रोजगार भी बढ़ना चाहिए, बिजनेस भी बढ़ना चाहिए और बनारस का नाम भी होना चाहिए। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज वाराणसी।